जैन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? और हम यहाँ देख रहे थे दोस्तों, मैथ में आपका एलिगेशन यानी कि मिश्रण, और मिश्रण के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके करवाए थे पिछले क्लास में, और आज ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे में हमारा जो चैप्टर है मिश्रण दोस्तों, ध्यान देखना, यानी कि जो आज हम मिश्रण में पढ़ेंगे दोस्तों, एलिगेशन में, एलिगेशन में मैंने कल जो सवाल जो बताया था दोस्तों, उसी सवाल पर आज आधारित पुनः सवाल हम लोग देखेंगे, यानी कि सवाल एग्जाम में आते कैसे। तो सवाल आपके एग्जाम में जो आने की कंडीशन बनती है दोस्तों, वैसे सवालों को आने की कंडीशन क्या होती है, देखो ऐसा सवाल दिया क्या है हमारा। पहले यहाँ पर सवाल दिया है कि आपका एक सवाल दिया है कि 8 6.20 प्रति किलो वाले चावल और 7.20 प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 प्रति किलो हो जाए। देखो सवाल आता है दोस्तों ऐसा, तो लगाएं क्या? सबसे पहले मैंने बताया कि आप कंडीशन करो क्या, पहले को और सेकेंड को इस तरह कर दो। मैंने ये बताया था दोस्तों, पहला कितना कह रहा है, 6 रुपये, यानी कि ध्यान देखना 6.20। दूसरा कितना कह रहा है दोस्तों, 7.20, और कह रहा है कि इसको किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण जो है दोस्तों 6.50 रुपये हो जाए। तो मैंने बताया था ऐसे कर कर दोनों का क्या करना, अनुपात निकालना। देखो यहाँ पर 0.9 मानकर सीधा मान लो कि अंक दे दिए, मतलब 720 दे दिया, 720 में से इसको घटा दो, तो देखो 0 आ गया, 12 में 5 जाएगा तो 7 आ गया, यहाँ पर 7 6 में 6 जाएगा 0, यानी 70 आ गया। यहाँ पर जब काटाएंगे दोस्तों, ध्यान समझना, यहीं पर आपको मैं बता दूंगा, यहाँ पर देखो 650 है, यहाँ 620 है, तो यहाँ कितना गया 30। अब अनुपात निकालना था, तो अनुपात की कंडीशन क्या बताया था मैंने दोस्तों, कि इसको जो कितना कटता उतना कटा दे, देखो इसे काटो तो 7 से कट जाएगा, ये आपका 3 से, तो अनुपात क्या गया 7.3। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, यानी 7.3, यानी कि बी आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया दोस्तों। बात समझे दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आप आएगा तो लगा लेंगे, यही था ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपका रहा सेकेंड क्वेश्चन। आज सेकेंड क्वेश्चन देखो कैसे लगाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का कह रहा है दोस्तों, देखो ये आपका है, और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। जब ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैंने सीधा एकदम बताया, देखो किया क्या है, दिया क्या है, पहला और सेकेंड पॉइंट, अनुपात जब भी निकालने की बात करें तो कह क्या रहा है, पहला देखो यहाँ पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम, यहाँ 15 हो गया, फिर कह रहा है कितना 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रख दिया, इनके मिश्रण को कर पिया 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम, यही ना, ऐसे कर दे रहा। अब इसे करना क्या दोस्तों, घटा देना है बस, जब 16.50 में से घटाओगे तो मान लिया 10.20 कर दें, यहाँ पर भी 10.20, कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद और आशा है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब इसको इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, देखो 0.5 यहाँ बच गया, 9 9 में 6 जाएगा तो 3, यानी 3.50, जब इसको इससे घटाएंगे तो कितना जाएगा 1.50, मैंने कहा 10 भूल जाओ, ये देखो 0 से 0 काट दो, 5 से कटोगे तो 7 5 35, देखो 5 से कटोगे तो 7 5 35, 5 3 15 कट गया कि नहीं, यानी कि जो अनुपात आ गया हमारा इसका भी दोस्तों कितना आ गया अनुपात 7.3, यानी कि 7 संबंधी 3 आ गया हमारा, जो ऑप्शन संबंधी यानी कि ऑप्शन ए क्या है दोस्तों हमारा एकदम परफेक्ट है। आपको पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों, आ रही है? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ये दिया है दोस्तों, स्क्रीन पर देख लीजिएगा, तो कह रहा है दोस्तों, चाय का एक उत्पादक चाय के दो बगीचों से दो प्रकार की चाय को 5 संबंधी 3 के अनुपात में मिलाता है, एक की लागत 240 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे की 300 रुपये प्रति किलोग्राम, यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों तो क्या करना होगा, देखो यहाँ कुछ करना नहीं, आपको सेम कंडीशन जो मैं बताता हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह रहा है सवाल को देखो दोस्तों, यहाँ पर
सवाल कह कह रहा है कि एक चाय उत्पादक चाय के दो बीचों में इस प्रकार भेद है। पहले अनुपात आप दे दिया दोस्तों, ध्यान समझना, पहला का और सेकेंड का जो अनुपात दे दिया, पांच संबंध है तीन दे दिया दिया ना। फिर कह रहा है कि एक की लागत 240 रुपये, मतलब इसको जो इसकी लागत जो है 240 रुपये। और फिर कह रहा है कि प्रति किलोग्राम दूसरे की 300 रुपये प्रति किलोग्राम, ध्यान देखना 300 रुपये हो गए ना। कह रहा है कि यदि वो मिश्रित चाय को मतलब इतना में खरीद रहा है, मतलब 5 किलो चावल है, मतलब जो अनुपात दिया रहेगा मान लेना उसी क्वांटिटी दिया है। ये क्या दे दिया है क्वांटिटी, मतलब पहले को 5 किलो खरीदा 240 रुपये की दर से और 3 किलो को खरीदा 300 रुपये की दर से, तो मतलब 5 किलो जब खरीदा तो कितना खरीदा, मतलब देखो यहाँ पे 120 हो जाएगा, मतलब 1200। और जब 3 किलो को 300 रुपये के भाव से खरीद रहा है तो 900 रुपये हो गया, मतलब उसका जो सीपी हो गया, इस टोटल सीपी निकालेंगे दोस्तों, और सीपी मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 2100 रुपया, ठीक है दोस्तों। और टोटल देखो आप जब एसपी निकालेंगे, एसपी मतलब विक्रय मूल्य दोस्तों, क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य, तो मतलब टोटल खर्चा कितना, पहला 5 किलो दूसरा 3 किलो, टोटल कितना गया 5 3 8 किलो। और किस दर से बेच रहा है दोस्तों, तो 8 किलो चावल को बेच रहा है दोस्तों 315 रुपये, तो 315 रुपये की दर से जब बेच रहा है तो कुल का दाम कितना हो गया 8 5 40 को 0, देखो 8 1 8 8 4 12 2 8 3 24 24 1 25, मतलब वो खरीदा टोटल कितना रुपये में 2120 रुपये में, बेचा कितने में 2520 रुपये में। हमसे लाभ पूछ रहा है तो लाभ बराबर आप क्या जानते हो दोस्तों, यही ना जानते हो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर जानते हो लाभ इन लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी अगुणे सम। देखो दोस्तों यहां पर आया कितना लाभ, लाभ मतलब इसमें से घटाओ, जब घटाओ कितना है 0 2, यहां घटाओ 420 रुपये लाभ हो गया। 420 रुपये लाभ हो गया, कितना खर्चा था 2100 में अगुणे सम, देखो 2 0 से 2 0 कट गया दोस्तों, 21 दुना के 42 मतलब 20, अर्थात कितना परसेंट लाभ कमाया 20% लाभ कमाया दोस्तों। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। बात पूरी समझ में आ रही है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लगा लो कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लगा लोगे। ये देखो आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कह रहा है नीता चाय की दो किस्मों, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5 संबंधी 3 के अनुपात में मिलाती है, यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की भाव से बेचती है तो उसका लाभ होगा। सेम कंडीशन ये इस दोस्तों, एकदम सेम इसी तरह लगाना है आपको, लगाना क्या है दोस्तों, देखो एकदम जैसे ये बताया उन्होंने इसी तरह इसको भी लगाना है। देखो यहाँ कह क्या रहा है, जैसे कहा है थोड़ा सा भी घबराएंगे नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या कर दिया, फिर उसी तरह देखो सवाल कह कह रहा है कि अब अनुपात में जो दिया है, फिर वही अनुपात दिया है 5 संबंधी 3 का, मतलब ये पहली की क्वांटिटी 5 है, दूसरी क्वांटिटी 3 है। अब फिर क्या कह रहा है दोस्तों, नीता की दो किस्म चाहे, एक को 180 रुपये, यहाँ देखो 180 रुपये, दूसरकी को कर दिए 200 रुपये। अब ये टोटल इसका 5 किलो का दाम निकाल लेंगे, 3 किलो का दाम निकालेंगे तो 18 5 90 यानी कि 900 और 3 2 6 यानी कि 600। और टोटल मतलब इन दोनों को जो खरीदा ना, इतना जब खरीदता है तो उसका क्या होता है सीपी क्रय मूल्य होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाता है 1500 रुपये का खरीदा। टोटल 5 3 8 किलो खरीदा था, 8 किलो बेचेगा भी, जब 8 किलो बेचेगा तो 8 किलो में पहले 100 रुपये की दर से बेच रहा है दोस्तों, देख लो 210 रुपये की दर से बेच रहा है, जब 200 की दर से बेच रहा है तो देखो क्या हो गया 1680 रुपये का बेचा, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ होगा। देखो यहाँ दोस्तों यहाँ पर इसको क्या हो गया लाभ हो गया, कितना का लाभ हो गया 180 रुपये का लाभ हो गया। जब लाभ हो गया तो लाभ परसेंटेज बराबर आप जानते हैं दोस्तों कि लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 1500 अगुणे 100, यही ना दोस्तों। अब कटाओ 2 0 2 0 कटा दो, कट गया, अब 15 से काटोगे तो 15 कम 15 15 30 यानी 12% उसको
लाभ हो जाएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन सी क्या है सही। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आपको दोस्तों? आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग देखो दोस्तों, आगे ये सवाल है आपका, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 25 किलोग्राम 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा, तदनुसार उसे कितना लाभ हुआ। मतलब अब केवल लाभ प्रतिशत ना पूछे, केवल लाभ पूछा है दोस्तों। तो देखो यहां पर कैसे लगाते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सेम कंडीशन यही है, आपको कुछ करना नहीं विशेष तौर पर। विशेष तौर पर करना क्या है दोस्तों, देखो यहां पर कह रहा है जैसे जैसे कहे वैसे, मतलब क्या कहा, कह रहा है कि 15 किलोग्राम, आप अनुपात ना देकर इसे क्वांटिटी डायरेक्ट दे दिया 15 किलोग्राम, कर पी की दर से 29 रुपए की दर से, यही ना इस तरह लिख दिया मैंने। फिर कह रहा है कि 25 किलोग्राम, मतलब 25 किलोग्राम चावल कर पी की दर से 20 रुपए की दर से। दोस्तों अभी इसके पहले मैंने जो बताया कि वो अनुपात दिया था दोस्तों, तब लगाते थे, अब डायरेक्टली क्वांटिटी दे दिया है। जब क्वांटिटी दे दे तो उसका देखो दोस्तों, एक किलो चावल का मूल्य 20 रुपये है, तो 15 किलो चावल का मूल्य मतलब इसमें गुणा कर दो। जब गुणा करोगे दोस्तों तो 15 नवा 135 को 5 हासिल लगा 13, 15 दुना 30 और 30 13 43 रुपये, यानी कि 15 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो गया दोस्तों, हमारा 435 रुपया हो गया। यहाँ 25 किलोग्राम का चावल कितना हो गया, 500 रुपये हो गया, यही ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी निकालेंगे दोस्तों। सीपी मतलब मैंने क्या बताया, इसको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो 935 रुपये आ गया। अब आगे पढ़ो, देखो देखो 25 और देखो 15 और 25 टोटल कितना चावल है, 40 किलोग्राम चावल है, 40 ग्राम चावल का मूल्य इतना रुपये का हो गया। जब इतना हो गया तो हम सीपी जब निकालेंगे तो कितना किलोग्राम चावल हो गया, 40 किलोग्राम। अब कर रुपये की दर से बेच रहा है दोस्तों, ये देख लेना है हमें, 27 रुपये की दर से बेच रहा है, तो मतलब इसमें 27 से गुणा करने तो सीपी निकल जाएगा। जब 27 रुपये किलोग्राम के चावल से बेच रहा है दोस्तों, देखो 4 सत्य 28 को 8, 4 गुना के 8, 8 और 2 10, 1 0 1 0, मतलब टोटल कितने रुपये में बेच दिया, इतना। हमसे पूछा क्या कितने रुपये लाभ हुआ, तो लाभ बराबर आप क्या जानते हो, एसपी माइनस सीपी, तो घटाओ देखो इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा, 5, यहाँ बचेगा कितना, 7, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, 4 आपका आ गया, और यहाँ पर बचा कितना, 1000 या 10 में से 1 जाएगा, देखिए यानी कर पे हो गया दोस्तों 135 रुपये लाभ हो गया। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, यानी कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, डी आपका ऑप्शन सही है दोस्तों। बात समझ रहे हो दोस्तों, अगर आ रहा आपको समझ में, चलो अगला सवाल देखो, ये वाला सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 10 ग्राम लागत वाली दो प्रकार की चाय 7 संबंधे 3 के अनुपात में मिलाता है, वो सम्मिश्रित चाय 18.15 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है, सौदे में उसका प्रतिशत लाभ है। ध्यान देखना दोस्तों, कुछ करना नहीं, सेम जैसे मैंने बताया ना उसी तरह लगाओ, कुछ भी विशेष तौर से नहीं करना, जैसे मैंने सवाल को बताया है वैसी तरह आपको क्या करना है दोस्तों, सवाल को लगाते जाना। आवाज देख लेना मेरी सही है ना दोस्तों, देख लेना आवाज अगर सही है, देखो कह रहा है, देखो ध्यान से दोस्तों, हमारा कह रहा है कि 18 रुपये और 13 रुपये, तो मतलब 18 देखो अनुपात दे दिया, अनुपात जब दे दिया तो अनुपात तब तो हम जानते हैं ना, अनुपात 7 संबंधित 3 दे दिया, मतलब कि 7 संबंधित 3 दे दिया, मतलब कि जब भी अगर दर 100 ग्राम की दर से बेच रहा है, मतलब टोटल जो क्वांटिटी है उसकी जानते हैं क्वांटिटी, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है, और 1000 ग्राम अगर 700 अगर 7 संबंधित 3 की क्वांटिटी है तो मतलब पहले की कितनी होगी 700 ग्राम और दूसरे की क्वांटिटी कितनी 300 ग्राम, तभी तो 1000 हो गया कि नहीं, यही अनुपात का मतलब है। कह रहा है कि ध्यान समझना, कह रहा है कि पहले वाले को
₹18 और ₹13, मतलब पहले का ध्यान समझना, पहले का एक को ₹18 किधर से और एक को कितना ₹13 किधर से, मतलब 100 ग्राम का दाम कितना है ₹18 और 100 ग्राम का दाम दूसरे के चाय के दाम ₹13, तो मतलब 700 800 दोनों का है। तो मैंने अभी बताया क्या, इसको क्या करो, ध्यान समझने की कोशिश करो, अगर यहां पर समझ गए दोस्तों तो एकदम आसान एकदम सवाल हो जाएगा। इसको मैंने बताया सीधा क्या कर दो, गुणा कर दो, 18 गुणा इसमें करेंगे तो जानते हैं कि 18 साथ कितना आता है, 18 साथ कितना आता है 126, यानी कि आपका 26 1026 रुपया हो गया इसका। इसी तरह 13 3 4 3 39 रुपया हो गया। और टोटल सीपी जब निकालते हैं दोस्तों, ध्यान समझना, तो सीपी मतलब इन सबको जोड़ देते हैं, और जब जोड़ते हैं दोस्तों तो यही पॉइंट अगर लड़का समझ गया तो समझो पूरा कंडीशन सॉल्व हो गया। मतलब यहां पर जब जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा सीपी निकला, अभी जस्ट इसके पहले सवाल बताया, ध्यान होगा आपको, जब इसको करेंगे दोस्तों तो जोड़ो तो देखो कितना आ जाएगा, 9 5 15 को 5 6 9 15 15 5 2 3 5 1 6 और यहां पर 1, यानी कि 165, यानी कि इतना हो गया। और जब ये देखो दोस्तों अगर इस तरह आ गया टोटल इतना रुपया आ गया। घबराना मत, थोड़ा सा भी मत घबराना। फिर सीपी क्या है, मतलब टोटल आप देखो 700 और 300 मतलब कितना हो गया। अभी एक पॉइंट और बताऊंगा, इससे भी आसान हो जाएगा, उस जैसे बता रहा था अभी देखो, तो टोटल 1000 ग्राम, और किस दर से बेच रहा है, और किस दर से 18.15, जब इसका गुणा करेंगे टोटल रुपया कितना हो जाएगा 18 1 15, यानी कितना रुपया। हमसे पूछा क्या दोस्तों, पूछा है कि कितने प्रतिशत लाभ कमाए, तब इनका लाभ मतलब इन दोनों का अंतर देखो कितना था, लाभ कितना आया, लाभ जब निकालोगे दोस्तों तो देखो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो गया, यहाँ पर 1000, यानी कि इतना आपका लाभ कमा लिया। जब लाभ आ गया तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या जानते हो, ये बताओ मुझे, लाभ लाभ प्रतिशत बराबर हम क्या जानते हैं ये बताओ, लाभ प्रतिशत बराबर यही जानते हो कि लाभ बटा में क्रय मूल्य, लाभ कितना निकाले दोस्तों 1650, और क्रय मूल्य कितना है 1650, अगूढ़े 100, देखो यहां पर 2 0 से 2 0 कट गया, इससे इससे कटा दिया, मतलब 10, यानी कब परसेंट लाभ, 10% लाभ, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही, ठीक है। अगर ये पॉइंट अगर यहां पर ना निकाल कर इस तरह भी निकालते तो देखो यहां पर इतना आता है कि नहीं, देखो ध्यान से, पहला क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी, पहला 7 3 हो गया, ये आपका 18 रुपये बेचा गया, 13 रुपये बेचेगा। मैंने बताया इसका सीपी जब निकालते हैं तो इसको 18 से गुणा करोगे तो 126, अब प्लस इसको करोगे तो 39, मतलब 165 आ गया। टोटल 7 3 10 है, और सीएसपी निकालेंगे तो 7 3 10 और गुणे कितने में बेचा जाता है 1800.5, यानी कितना में बेचा जाता है, मतलब 181.5 आ गया ना। जब इतना आ गया तो सीपी बराबर आपका लाभ कितना हो गया, देखो जब लाभ करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा पहले से, 10 यहाँ पे 1 6, इतना आ जाएगा 16.5। लाभ प्रतिशत बराबर जानते हो कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर देखो लाभ 16.5 बटा में 165 और गुणे 100, देखो यहाँ पर इसमें गुणा कर दोगे तो यानी कट कर कितना आ जाएगा 10%। देखो इस तरह भी आ गया, आप इस तरह लगा सकते हो चाहे इस तरह लगा सकते हो, कोई भी कंडीशन से आप चाहे तो लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है, इसमें घबराएंगे नहीं आप। चलो आगे सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पर देखो, कर सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर, उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना चाहिए। देखो दोस्तों ये एकदम आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश किया, लेकिन हम जानते हैं ना कि हम इनसे भी चालाक हैं, ये पात पात ये क्या करेंगे, पूरे जहां जहां जाएंगे हम वहां वहां क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। देखो कह रहा है सेम कंडीशन जैसे मैं बताया उसी तरह को,
देखो पहला मान लो दूसरा मान लो, इस समय तो कोई कदराई नहीं करो। पहली बार कह क्या रहा है, देखो सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल, पहला कितना 30 किलोग्राम, फिर क्या कह रहा है 10 रुपये प्रति किलो, 10 रुपये की दर से इसे 10 रुपये की दर से खरीदा, मतलब टोटल कितना 300 रुपये लग गया इसे। फिर क्या कह रहा है 35 किलोग्राम कर रुपये की 11 रुपये की दर से, टोटल इसमें कितना रुपये 11 5 55 11 33 5 38 मतलब इतना रुपये, मतलब उसे सीपी जो खरीदने में पैसा लग गया टोटल कितना लग गया 685 रुपये लग गया। और लाभ कब प्रतिशत हो गया, लाभ प्रतिशत जो दे दिया है उसे कितना कमाना है 30% कमाना है। तो विक्रय मूल्य बराबर आप जानते हो जब लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो विक्रय मूल्य हम सीधा निकाल लेते हो कि नहीं, क्रय मूल्य गुणे लाभ, लाभ कितना 100 यानी 30 यानी कि 130 अब बटा में 100 यानी जानते हो, बस इसे कटा दो। अब 13 का इसमें गुणा कर दो, तो जब 13 का गुणा कर दोगे तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपका निकल जाएगा। आज हम निकालना होता निकाल लीजिए, आपका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 13 5 65 को 5 आ 13 बाटे यहाँ देखो 13 5 65 को 5 आ 13 का जब पारा पड़ेंगे तो 13 बाटे कितना होता है 13 24 64 65 77 78 91 13 बाटे 104 आ 6 110 को 0 हासिल लगा 10 13 6 13 5 65 13 6 78 78 88 अब बटा में 10 यानी कितना हो गया 880.5 रुपये की, यानी विक्रय मूल्य इतना हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है दोस्तों, दर पूछ रहा है, तो जब दर पूछेगा तो टोटल कितना है 30 और ये कितना टोटल है 65 किलो दर, जब 65 किलो है दोस्तों तो हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि पूछ रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए, तो मतलब 880.5 बटा में कितने का गुणा कर भाग दे देंगे 65 का, जब 65 का भाग दोगे दोस्तों तो यहाँ देखो 65 का जब भाग देंगे कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा यहाँ बचेगा 3 2 फिर 0 6 3 बार जाएगा, मतलब लगभग हमारा कितना 13 आ गया, देखो 13 6 बार जाए 3 3 5 15 को 5 और 3 6 18 18 1 19 जब करोगे तो यहाँ देखो कितना जाएगा 5 यहाँ बचेगा 12 3 यहाँ पर फिर 10 बढ़ाओगे फिर 5 मतलब लगभग 7 यानी कि 13.7 आएगा, लगभग 13 लगभग जो हमारा आ गया 13.7 यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। बात समझ में आई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों तो आप लोग क्या करेंगे लगा लेंगे दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन आज के लिए लास्ट सवाल मैं देता हूं दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन मैं लास्ट देता हूं सवाल, ये क्वेश्चन आपका लास्ट रहेगा आज का और इसके बाद हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की दो प्रकार की चाय, एक 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाली और दूसरी 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 5 संबंधित 3 अनुपात में मिश्रित करके चाय तैयार करता है, यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपए प्रति किलोग्राम की भाव पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब ऐसा क्वेश्चन तो आप दोस्तों कई बार लगा लिए, अब हमको उम्मीद है ये सवाल आप कर लेंगे, कि रहने दें कि बताएं, आप जैसा कहिए वैसा किया जाएगा काम दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि एक सवाल आपको तो आ ही गया है, चलो इसको भी बता ही देता हूं क्या कह रहा है, ध्यान से देखो वैसे ही लगाना है, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं है, पहला वाले को देखो यहां पर सेकेंड वाले को देखो क्या कह रहा है, चाय एक उत्पादक चाय बागान दो प्रकार की चाय, एक को 18 रुपये प्रति किलो दूसरे को इतना, पहले अनुपात दिया उसी को देखो 5 संबंध 3, फिर क्या कह रहा है दूसरे के को 18 और फिर तीसरे को और दूसरे को फिर कितने में 20 रुपये। अब मैंने बताया जब ऐसे दिए तो सीधा इसका सीपी निकाल लिया करो, सीपी मतलब 18 5 90 यहाँ पर 60 हो गया, टोटल 150 हो गया, फिर आपका निकाल लो एसपी, एसपी मतलब टोटल कितना चावल है 5 संबंध 3 के अनुपात में, तो टोटल कितना गया 5 3 8 हो गया, और 8 हो गया तो इसको किसने दर से बेचा जाता है 21 रुपए की दर से,
जब 21 रुपए की दर से बेचता है तो 8 एक कम 8, 8 दुना की 16, मतलब लाभ कितना हो गया उसे 18 रुपए लाभ हो गया। और लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है, ये नहीं कि लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर जानते हो क्या, लाभ बटा में क्रय मूल्य 150 अगुणे 100। अब इसी को हल कर लो, जब हल कर लोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, देखो यहां पर जीरो से जीरो हमारा कट गया, देखो ना यहाँ सही है ना, 5 18 बोला मैंने, फिर 20 बोला, 18 5 90 30 60 150 आ गया, फिर टोटल चावल 8 3 8 हो गया, किस भाव से 8 कमा बताएंगे तो 18, यहाँ कितना हो गया, अब कटा दो, जब कटाओ जीरो हो गया, यहाँ देखो 5 दुना 5 3 15 अरे 5 दुना के 10 6 3 के 18 6 दुना के 12 यानी क परसेंट 12% लाभ हो गया, अर्थात हमारा ऑप्शन देखो कौन सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। अब इतना क्वेश्चन आपका मैंने करवा दिया दोस्तों, आपका प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों, आप प्रैक्टिस करके क्या करो, अपनी पढ़ाई को मजबूत करो दोस्तों। मेरी उम्मीद है कि और आशा है कि आप लोग घर पर भी पढ़ाई करते होंगे, और मैं जो बता रहा हूँ अधिकतम सवाल आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।